नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिकवरेबल शेड्यूल्स। गेट में काफी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया। पहले मैं उसको समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो T1 D2 ट्रांजेक्शन्स है, इसमें RSWX हुआ और उसके बाद इसने RSWX करके कमिट कर लिया। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा देखते ही ये डर्टी रीड है। क्यों डर्टी रीड है? क्योंकि T2 ने एक वैल्यू को रीड किया है जो कि राइट करी गई है बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। मैं आपको बताता था डर्टी रीड का मतलब क्या होता है, व्हेन ट्रांजेक्शन रीड अ वैल्यू व्हिच इज रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन अभी कमिट तो नहीं हुई है बट आपने इसकी वैल्यू को रीड करा है, दैट इज अ डर्टी रीड प्रॉब्लम। अब इससे क्या हुआ, हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1। व्हाई इट इज डिपेंडेंट? क्योंकि इसके राइट करने के बाद इसने रीड करा हुआ है, ठीक है? ओके, तो अब क्या हुआ, फाइनली जब ये एक किस्म से कमिट कर गई, तो कमिट करने के बाद थोड़ी देर में ये ट्रांजेक्शन अबॉर्ट कर गई। तो अगर ये अबॉर्ट करेगी तो या तो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी हमें होल्ड करवानी पड़ेगी। एटोमिसिटी प्रॉपर्टी होल्ड मतलब हमें लगेगा कि T1 जैसे थी नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा, इसकी जो न्यू वैल्यू थी हम उसको ओल्ड वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे x था, x की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 500, ठीक है? x की वैल्यू 500 इनिशियली थी, इसने राइट करा तो बना दिया 1000। तो T1 के केस में हम लोग याद रखेंगे कि ओल्ड वैल्यू क्या है, 500 है, हमारे पास ओल्ड वैल्यू 500 है और नई वैल्यू क्या है, 1000, ठीक है? ताकि कल को हम रोल बैक करेंगे तो रोल बैक करते हम क्या ध्यान रखेंगे ट्रांजेक्शन में, कि जो 1000 होगी हम उसको 500 से ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है? दैट इज द बेसिक मीनिंग, यहाँ पे हमें रोल बैक ऐसे करेंगे। अच्छा, अब जब T2 ने RS करा, WS करा और कमिट करा, तो WS करने का मतलब मान लो इसने 1000 पढ़ा होगा, तो इसने 1000 पढ़ के 1200 बना दिया। तो T2 के लिए ओल्ड वैल्यू क्या है, 1000, और न्यू वैल्यू क्या है, 1200, ठीक? और अगर बाय चांस ये रोल बैक होगी तो ये 1000 बनाएगी, ठीक है? अच्छा, फाइनली ये कमिट कर गई, कमिट करगी मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगी। बट थोड़ी देर में जब ये अबॉर्ट करेगी, तो अबॉर्ट होते ही इसको क्या लगेगा कि ठीक है ओल्ड वैल्यू तो 500 है और न्यू वैल्यू 1000 है, तो ये चुपचाप से 1200 को 500 वापस बना देगी। इसको कोई मतलब नहीं है क्या था और क्या नहीं था, बस ये मतलब न्यू वैल्यू को ओल्ड वैल्यू से रिप्लेस करेगी, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू 500 आ जाएगी। तो अब आप ये सोचो आपको कितना अजीब लगेगा, ऐसे समझो कि आपने कोई ट्रांजेक्शन चलाई, कमिट आ गया, सक्सेस लिखा हुआ आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, बट आप जब वैल्यू जाके देखे तो वैल्यू तो आपको 500 मिल रही है, मतलब आपने जो चेंजेस करे वो आपको चेंजेस नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है? तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जिस भी ट्रांजेक्शन ने डर्टी रीड करा है वो ट्रांजेक्शन कमिट पहले बिल्कुल भी ना करे। अगर वो पहले कमिट करेगी तो एक किस्म से हम लोग रिकवरी नहीं कर पाएंगे उसकी, क्योंकि एक किस्म से देखा तो एक कमिटेड ट्रांजेक्शन है, कमिट हुई है, लेकिन इसके अपडेट्स जो हुए वो सारे लॉस हो गए हैं, वो हमें लग रहा है कि वो है ही नहीं डेटाबेस, ठीक है? तो हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे फेलियर से, ठीक है? तो यही चीज हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बस रिकवरेबल बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, आप मान के चलना मुफ्त के नंबर है आपके एग्जाम में अगर रिकवरेबल शेड्यूल का क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि मैं आपको भी सिखाऊंगा, चेकिंग बहुत इजी है इसकी। बट हमें ध्यान बस ये रखना है, डर्टी रीड जिस ट्रांजेक्शन ने किया है उसको पहले कमिट नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले कमिट कर जाएगी तो हम बोल देंगे कि शेड्यूल रिकवरेबल नहीं है, अगर उसने पहले कमिट नहीं किया तो हम बोल देंगे कि ठीक है ये रिकवरेबल है, ठीक है? ओके, तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ शेड्यूल इज सेट टू बी रिकवरेबल इफ ट्रांजेक्शन TJ रीड्स एन आइटम रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन TI। जैसे यहाँ पे मान लो ये TJ मान लो और ये TI मान लो, तो TJ ने क्या किया है, एक आइटम को रीड किया है विच इज रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन TI, देन TJ मस्ट नॉट कमिट बिफोर TI। तो यही हम कह रहे हैं कि TJ पहले कमिट ना करे, ठीक है? या इसको हम ब्रैकेट में मैंने दूसरी तरह से लिख दिया कि कमिट ऑपरेशन ऑफ TI मस्ट अपियर बिफोर कमिट ऑपरेशन ऑफ TJ, मतलब TI का कमिट ऑपरेशन पहले आना चाहिए था और TJ का कमिट ऑपरेशन बाद में आना चाहिए था, ठीक है? मतलब आप समझ रहे होंगे, जिस भी ट्रांजेक्शन ने डर्टी रीड किया है उसको पहले कमिट नहीं होना चाहिए, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। मतलब दूसरी ट्रांजेक्शन को पहले कमिट कराओ तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है? तो तभी हम कह पाएंगे कि हमारा शेड्यूल रिकवरेबल है, अदरवाइज वो रिकवरेबल नहीं होगा, ठीक? ओके, अब मैं फटाफट से दिखाता हूँ कि हम चेक कैसे करेंगे कि शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं है। तो पहली बात तो आपके मन में अपने आप से कॉमन सेंस से आ जानी चाहिए, अगर ट्रांजेक्शन ने डर्टी रीड किया ही नहीं है तो एक किस्म से हम बोलेंगे कि डिपेंडेंसी है ही नहीं। अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो पहली ट्रांजेक्शन चाहे कमिट करे चाहे अबर्ट करे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मतलब इन द सेंस, जैसे सपोज करो TJ ने डर्टी रीड किया ही नहीं है तो TI कमिट करे अबर्ट करे TJ पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा ना, तो उस केस में हम क्या पाएंगे आराम से कि शेड्यूल हमारा रिकवरेबल है, ठीक है? बस डिपेंडेंसी होगी तो जो भी डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है उसको पहले कमिट नहीं करवाना, बस हमें इस बात का ध्यान रखना। डिपेंडेंसी का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, डर्टी रीड, जिसने डर्टी रीड करा वो डिपेंडेंट है, ठीक
ठीक है ओके तो पहला पॉइंट हम पढ़ देते हैं कि चेक प्रेजेंस ऑफ डर्टी रीड इफ डर्टी रीड इज एब्सेंट देन शेड्यूल इज ऑलवेज रिकवरेबल ये बात मैंने अभी आपको बताई है अच्छा और फिर सेकंड पॉइंट भी हम पढ़ी देते हैं मैं बार बार वैसे बता ही रहा हूँ कि इफ डर्टी रीड इज प्रेजेंट देन ट्रांजेक्शन डूइंग डर्टी रीड मस्ट नॉट कमिट फर्स्ट तो जिस भी ट्रांजेक्शन ने डर्टी रीड किया है उसको पहले कमिट मत करवा रहे ठीक है क्वेश्चन दिखाता हूं तब उसकी और समझ में आएगा क्योंकि ऐसे हम जितना मर्जी बोले समझ नहीं आएगा देखो क्वेश्चन नंबर वन देखो RxWx कमिट अब देखो यहाँ पे डर्टी रीड प्रेजेंट है और ये पहले कमिट कर गई तो रिकवरेबल नहीं है अच्छा अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी देखो डर्टी रीड प्रेजेंट है अब कमिट मैंने किसी का दिया ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं कि T2 को पहले कमिट नहीं होगी और T1 पहले कमिट होगी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते तो यहाँ पे रिकवरेबल हो भी सकता है और नहीं भी नो कमेंट्स यहाँ पे याद रखना क्रॉस मत लगाना मतलब ऐसा भी मत बोलना कि नहीं है और ये भी मत बोलना कि है हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे मे और मे ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्यों क्योंकि मेरे को कमिट तो दिया ही ना जब तक आप मुझे कमिट नहीं बताओगे तो मैं कैसे बताऊं कि कौन पहले कमिटेड है कौन बाद में कमिट हो रही है ठीक है ओके थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो कहीं डर्टी रीड है यहाँ पे कोई डर्टी रीड नहीं है देखो इसकी राइट करने के बाद यहाँ पे कोई रीड नहीं आया है तो मेरे को मतलब ही नहीं है चाहे कोई कमिट करे चाहे अवर्ट करे हमें कुछ नहीं पता हम बोलेंगे सीधा रिकवरेबल है फोर्थ क्वेश्चन देखो RxWx यहाँ पे अवर्ट है और यहाँ पे कमिट है देखो कमिट ऑपरेशन जिसने ये डर्टी रीड हुआ यहाँ पे तो T2 हमारी डिपेंडेंट है और अगर T2 मेरी डिपेंडेंट है तो इसका कमिट पहले नहीं आया ना बस तो ये रिकवरेबल है ठीक है लास्ट देखो RxWx और यहाँ पे कमिट हो रहा है इसका मतलब कमिट कौन कर रहा है पहले जो इंडिपेंडेंट है जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है उसका कमिट पहले नहीं दिखाया मतलब ऑब्वियसली कहीं नीचे जाके कमिट कर रही होगी हमें अभी नहीं दिखाया मतलब यू कैन से कि कोई और भी ऑपरेशन उसको करने होंगे तो कुछ और ऑपरेशन करने के बाद कमिट करेगी या जो भी करेगी हमें को मतलब नहीं बट पहले तो ये कमिट करेगी ना बस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल क्यों क्योंकि जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है उसने पहले कमिट नहीं करा इंडिपेंडेंट वाले ने पहले कमिट कर लिया ठीक आई थिंक बहुत इजी है और बहुत बेसिक है आपको समझ में आ रहा होगा एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में मैं वो भी चाहता हूँ आपको बता दूं जैसे देखो अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर अबॉर्ट लिख दें तो आपको कोई दिक्कत है अगर हम यहाँ पे अबॉर्ट लिख दें 100% ये रिकवरेबल होगा क्यों रिकवरेबल होगा क्योंकि इसने कमिट तो नहीं किया मैंने बस ये बोला था कि इसको कमिट नहीं करना पहले इसने कमिट नहीं करा ये पहले अबर्ट कर गई बहुत अच्छी बात है मतलब इन द सेंस अब नीचे जाके ये कमिट हो या अबर्ट हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले ऑलरेडी अबर्ट हो चुकी है जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन थी आप समझ लो अब है ही नहीं अगर डिपेंडेंट वाली है ही नहीं तो फिर हमें दिक्कत ही खत्म सो दैट मीन दिस इज अगेन रिकवरेबल ठीक बट यहाँ पे अगर कमिट होता तो ये रिकवरेबल ना होता अच्छा